अब दुर्ग शहर में महिलाओं की पसंद का विशेष ख्याल रखते हुए जलाराम मिष्ठान भंडार के बाजू स्टेशन रोड इंदिरा मार्केट के पास टॉप वॉच लेडीज ड्रेसेस शॉप की ओपनिंग की गई। दुर्ग विधायक अरुण वोरा, निगम महापौर धीराज बाकलीवाल, साथ ही समाज सेवी कैलाश बरमेजा यहां प्रमुख रूप से शामिल हुए। विधिवत फीता काटकर शॉप का शुभारंभ किया गया। बता दें कि बेहद ही किफायती दरों पर उच्च क्वालिटी के महिला परिधान यहां पर उपलब्ध होंगे। यहां पहुंचे लोगों ने शॉप की ओपनिंग पर आयोजकों को दिल से बधाइयां दी। श्री श्री मदनलाल जैन जैन समाज के अध्यक्ष से चार सब ताहिर भाई के पक्ष में बोलने के लिए आपको अनुवाद जैन समाज के अध्यक्ष धन्यवाद सरकार को बढ़ाने के लिए। जैन भाई ने जो हस्त प्रदान किए है पूरा मस्जिद के पास में दुकान में जो अपनी शाखा पौधा वो लगाया था उस पौधे का बड़ा वो बढ़ते बढ़ते जा रहा है। राज्य की उन्नति करते रहे। आज हमारे भाईजान शुभारम्भ में आप शामिल हुए। आपसे हम उनके प्रति चार शब्दों की कवायद है कि आपको कैसा लग रहा है यहाँ पर आकर और उनके प्रति अपनी संवेदनाएं बताइए। हमें यहाँ का बहुत अच्छा लग रहा है और इसलिए अच्छा लग रहा है कि उसका सबसे बड़ा अहम मौजू ये है कि हमारे उस्ताद मोहतरम जनाब मरहूम हमारे निज़ाम बाबा जी जो थे मैं उनका शागिर्द हूँ और एक शागिर्द होने के नाते अगर उनका बच्चा अगर तरक्की करता है तो वो हमारे लिए बहुत बड़ी मसरत और बहुत बड़ी खुशी की बात होती है। वो एक बहुत बड़ा मुकाम है। अल्लाह ताला ने उस बच्चे को हमारे बाबा जी के हमारे जाने के बाद इतनी तरक्की का वो मुकाम हासिल किया है और उसमें मैं मुख्तसर लफ्ज़ों में अपने कलाम क्योंकि मैं एक सुखा साज हूँ एक शायर हूँ शायर होने के नाते और तमाम जो लोग हमारे इस काम में अंजाम दिए जिस काम में हमारा मदद किए वो तमाम लोगों के लिए मैं ये बात मसले कहना चाहता हूँ। हाजी साहब तवज्जो चाहूँगा आपसे मैं हाजी ताहिर साहब से। हाजी ताहिर साहब कैलाश भैया आओ ना भी अंदर आओ भैया दरअसल को बुला अम्मा आओ जरा लो बाबा मैं चंद शेर जो है मैं पढ़ना चाहूंगा। मैं हाजी साहब के तरफ से पढ़ना चाहता हूँ। मैं अपनी तरफ से जानी से बात करता हूँ कि जो मुमकिन ना था उसे मुमकिन कर दिया आज उस ख्वाब को आज आसान कर दिया अपने वालिद की आरजू को पूरा कर दिया और वो आरजू को पूरा कर दिया। वो कामयाब थे उन्हें पहचान कर दिया। और मैं ये चंद शेर में हमारे भाई उत्तम भाई की तो बहुत बड़ी मेहनत है इस काम में और इसमें हमारे उत्तम भाई और हमारे कैलाश बरमेजा जी का भी बहुत बड़ा हाथ है। मैं ये दो शेर मैं कैलाश भैया और उत्तम भैया को नजर करता हूँ। उत्तम है उत्तम बन के साथ रहे कैलाश जो पर्वत बन के साथ रहे और ये गंगा जमुना तहजीब का मामला है हमारा हमारे साथ में रहे हैं और गंगा जमुना तहजीब की पहचान है ये भी हर वक्त की दास्तान है और ये दो शेर और नजर करना चाहता हूँ। मैं अपने भाई हाजी साहब को दुआएं शेर मेरा ये नजर करता हूँ कि नवेद देता यही दुआ हरदम ये नवेद देता यही दुआ हरदम ये ताप वाद छूते रहे आसमान रहे ताप वाद
रहे, बहुत बहुत शुक्रिया आपने सुना। और मैं इसके साथ दिल की गहराई से बहुत बहुत हाजी ताहिर साहब को, मेरे भाई दरवेश भाई को बहुत बहुत मुबारक देता हूँ, और अपनी माँ मेरी जो है हमारी बाप हमारी वानी भी कहता हूँ, माँ समान हमारी माँ है, और हमारे मरहूम निज़ाम बाबा जी की अहलिया को भी बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ, और इनकी दुआओं का फैज है कि आज इतने बड़े हाजी साहब ने इस मुकाम को हासिल किया, और कदम ब कदम अपने वालिद की कमी कभी महसूस होने नहीं दिया उन्होंने। इस बात के लिए हमें गर्व है, और हमारी तमाम हमारी माँ बहनों के लिए एक सबक है कि किस तरीके से अपनी औलाद को रहनुमा बनकर साथ देना चाहिए, एक मिसाल कायम किया है, और इसके लिए हमारी मुस्लिम कौम और सारी बरादरी जो है वह गर्व करेगी, आने वाले वक्त तक एक मिसाल रहेगी हमारी माँ। ये इसके लिए बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ, एक दर्द दिया है माँ ने बनकर इन्होंने, और इसके साथ साथ इनके अहले खाना ने जो मदद की है, इनकी मिसेस ने मदद की, इनकी बहनों ने मदद की, आज इनकी बहनों का आज कसी तादाद में ये हाजिर होना इस बात की खुशी का ऐलान करता है कि ये कितनी मददगार और किस तरीके से ये है। ये एक बरादरी का भी मामला नहीं, एक कौम का रहनुमा अदा किया है, एक लोगों को सबक दिया है, मैसेज दिया है कि अगर कोई भाई वालिद का साया हटता है सर के ऊपर से तो किस तरीके से माँ को साथ देना चाहिए, बहनों को साथ देना चाहिए, वो मिसाल इनकी बहनों ने कायम किया है। और हमारे तमाम जितने मेहमान, जितने बड़ा खुतबा है आज इनका, तमाम खुतबे वालों को मुबारकबाद देता हूँ। मैं नवे दर्जा दुर्गी शायर दुर्ग छत्तीसगढ़। बहुत बहुत धन्यवाद दरवेजा जी, हमारे सुनचुक में खड़े रहे, हमारे साथ रहे, बहुत हमारा आभार आभार व्यक्त करते हैं हम, और विधायक जी का और हमारे महापौर जी बाकलीवाल जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं, और मैं महापौर जी से निवेदन करूँगा कि इस दो शब्द बोले। शुभारंभ अवसर पर मैं चालकों को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। आज विजयदशमी का पर्व है, और इस शुभ अवसर पर आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण कड़ी दुर्ग शहर में व्यापार की जुड़ी है, शोरूम खुला है। मैं सभी संचालकों को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ, और ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि व्यापार दिन दुगनी और रात दुगनी क्या रहे कि हमेशा बनी रहे और हमेशा तरक्की के मार्ग पर आगे बढ़ते रहे। आमीन आमीन। कड़ी को आगे बढ़ाते हुए सर रौनक जमाल सर आप भी दो सौ। मैं शॉप के ओनर ताहिर को सबसे पहले मुबारकबाद देना चाहूँगा। उन्होंने दुर्ग शहर में एक ऐसी घड़ी की दुकान की सब जरूरत थी, और जैसा मैंने सोचा था उससे बहुत अच्छा इन्होंने बनाया है, और लोगों की जो एक डिमांड थी उसको पूरा किया है। एक शायर की हैसियत से दो पंक्तियां कहूँगा कि बन के घर वाकिफ है आदाब सफर जाओगी, मेरा जिम्मा है कि तूफान से गुजर जाओगी, वक्त की कदर करो वरना तरक्की की दौड़ में बिखर जाओगे। वक्तव्य के आगे बढ़ाते हुए मैं कैलाश बरमेचा जी से भी दो शब्द बुलवाना चाहूंगा। ताहिर भैया कि आप भी बहुत संरक्षक टाइप रहे हैं, तो दो शब्द आप भी इनके बारे में। ताहिर भाई को नई दुकान की शुभकामनाएं, और विजयदशमी के दिन जो चुनाव किया दिन का बहुत ही शुभ रहेगी उनके लिए, और ये खाली ताहिर बार की रौनक नहीं है, पूरे स्टेशन रोड की रौनक बन गई है। आज इस दुकान रौनक है वो पूरे स्टेशन रोड में जान ला। धन्यवाद। बहुत खूब दो शब्द बहुत बहुत बधाई हो ताहिर भाई को, विधायक महोदय और आगे वक्तव्य को आगे बढ़ाते हुए मैं रौनक सर को ही बोलूंगा कि आगे सर आप दो चार पंक्तियां और छेड़े। अरे क्या देखिए यहाँ आए इतना अच्छा यानी माहौल सब बना हुआ है, तो मैं शायरी के हिसाब से और गजल के हिसाब से दो तीन बताऊंगा कि उनकी सूरत पे आया कैफियत गम देखी, बाल बिखरे हुए आंख भी पूर्णम देखी, सुर्ख गालों पे लुढ़कते हुए आंसू तौबा शोलों पे बिखरी हुई चमना।
और फिर से सार निजामी को मुबारकबाद देते हुए मैं हमारे लाडले विधायक अरुण वोरा जी, हमारे लाडले आशीर्वाद जी और जितने भी ताहिर के बुलावे पे यहाँ पे आए हैं, परमेश्वर की सफाई है और जितने साथी यहाँ खड़े हैं, उन्होंने आज ऐसे दशहरे के तौर के ऊपर अपना कीमती समय हमारी खुशी में जाने लोगों के दिया है। मैं मन किया था गहराइयों से ताहिर की ओर से, अपनी ओर से और शहरवासियों की ओर से दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, इस्तकबाल करता हूँ, धन्यवाद। भाई भाई के नए शोरूम टॉप वॉच में पधारे हैं तो दो शब्द आपसे सुनना चाहेंगे। ये बहुत ही खुशी की बात है, विजयादशमी के पावन पर्व पर हमने आज यहाँ पर टॉप वॉच की शॉप का शुभारम्भ किया। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि हमारे भैया का व्यवसाय दिन दुना रात चौगुना आगे बढ़े और दुर्ग के में एक बहुत महत्वपूर्ण कड़ी जुड़ी है। बहुत सुंदर आप देख रहे हैं कि जहाँ यहाँ आते ही आत्मिक शांति का अनुभव हो रहा है, यहाँ लोग आएंगे और समय के अनुसार चलेंगे। घड़ी की दुकान रात की दुकान है और जीवन में अगर आगे बढ़ना है तो समय को पहचानना है, समय की कीमत होती है और ये समय बताने के लिए यहाँ पर इन्होंने आज का शुभारम्भ आज करवाया है। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि अपने हर मुकाम को सफल। अभी हम बात कर रहे थे विधायक अरुण वोरा जी से। भाई भाई आपको बहुत बहुत शुभकामनाओं के साथ मैं आपसे भी दो सब आप लोग का बहुत बहुत आभार करता हूँ और आपका बहुत बहुत शुक्रिया करता हूँ। और माननीय हमारे उत्तम भंडारी जी ने हमारा बहुत बड़ा सहयोग किया और कभी भी मुझे ऐसा हिंदू मुस्लिम वाली बात कभी हम उत्तम भाई ने कभी ना की और कभी मुझे अपने छोटे भाई से बढ़कर बहुत बढ़कर मानी और कभी भी मेरे सुख दुख में उत्तम भाई को बहुत ही ज़्यादा एकदम सरलता से और भले ही उनका गलत बोलने का अंदाज है लेकिन दिल से बहुत नरम है, मेरे को आना है और बहुत ही अच्छा है और हमारे मुझे बहुत खुशी हो रही है कि ताहिर भाई को ऐसे जीजाजी मिले हैं। वैसे तो इनकी और भी बहनें दो तीन ज़्यादा मुलाकात नहीं हो पाई है लेकिन ये कामटी वाले जीजाजी, मैं तो सभी के लिए यही दुआ करूंगा कि सभी को ऐसे ही जीजाजी मिले जो हमेशा खड़े रहें। और ये हम ताहिर बस की हिम्मत नहीं है, ये हमारी भी हिम्मत बन के खड़े हुए। आपको भी गर्व होता है कि हमारे जीजाजी ऐसे, सबको ऐसे जीजाजी मिले ताकि एक दूसरे के सुख दुख में काम। क्या बात, बहुत बहुत धन्यवाद। हम सभी का तहे दिल से इस्तकबाल करते हैं और सबका आभार भी दुआ को लाए, अपना कीमती वक्त दिया और मुझे इस मुकाम तक पहुंचाने में मेरी मदद और एक का खड़े हुए और इस काम के उत्तम भंडारी के लिए बहुत सहयोग किया और कैलाश दिया ने बहुत बड़ी हमारी मदद की। जब दुकान की जब रजिस्ट्री की जब बात आई तो कैलाश दिया और उत्तम दिया अपना कीमती वक्त निकाल के 300 घंटा रजिस्ट्री में खड़े रहे और उत्तम दिया तो जो ऐसी बात बोल दी जिससे दिल इधर छू के इधर आंखों में पानी आ जाता है। बोले भाई की रजिस्ट्री होना चाहिए, भले रुपया कितना भी लग जाए, ऐसे ही बातें ऐसे कोई ऐसा कोई अपना भी नहीं करता। इसलिए उत्तम भाई ने मेरे को दिया और रजिस्ट्री में 3 घंटा खड़े रहे थे और उसके बाद रजिस्ट्री होना चाहिए। कैलाश भैया ने तो पैसा जेब में रखा थे और मुझे बताया भी कि मैंने पैसा रखा हूँ करके और फिर जब रजिस्ट्री हुई उसके बाद मेरे बोले अरे तू क्या समझता है, बोले मैं तुमको ऐसे छोड़ दूंगा, मैं तो पैसा लगा था बात बताता हूँ, अरे मैं दूर होना तब बैठ गया और मेरे आंखों में आंसू आ गए। मैं ऐसा मैसेज ऐसा छत्तीसगढ़ जब मुसलमान हिंदू बनता है हाथ से और मुसलमान बनता है माँ से,
जब हम बनते हैं तो हमारा छत्तीसगढ़ आगे बढ़ता है, जब छत्तीसगढ़ आगे बढ़ता है तो हमारा भारत आगे बढ़ता है, जब भारत आगे बढ़ता है तो फिर इंटरनेशनल इसमें कदम का कदम बढ़ते जाता है, फिर इससे व्यापार बढ़ता है, फिर इससे पहचान बढ़ती है और इससे भाईचारा बढ़ता है। और जय छत्तीसगढ़, हम आप लोग का आभार व्यक्त करते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, जय हिंद, जय छत्तीसगढ़, जय भारत। हमारे सबसे बड़ी बहन और सपना इनके लिए भी मैं बहुत बड़ी शुक्रगुजार। ये हम तो दूर रहते हैं ये, लेकिन दौड़ दौड़ के नजदीक होके ये हमारी कमी अपनी करती है और हम उसकी क्या तारीफ करें, ये बहुत काबिल तारीफ है। अल्लाह इनको सलामत रखे और इनको जो भी इनकी ख्वाहिश है इनकी अल्लाह ताला पूरी करे। हम सब भाई भाइयों को आपस में प्यार मोहब्बत इखलास से लेने की कोशिश खत्म करना है। मैं ताहिर भाई और दरवेश भाई को मुबारकबाद दी हूँ दिल से। हमारे जो है दो बड़े भाई जो है रहनुमा हमारे उत्तम भाई और कैलाश भाई के लिए मैं चार मिसरे पढ़ना चाहता हूँ, फिर से आप लोगों के नजर करता हूँ सुन लिए के उत्तम है, उत्तम है उत्तम बन के साथ रहे, क्या बात है, उत्तम है उत्तम बन के साथ रहे और कैलाश जो पर्वत बन के साथ रहे, कैलाश जो पर्वत बन के साथ रहे, गंगा जमुना तहजीब की पहचान है, गंगा जमुना तहजीब की पहचान है, ये भी हर वक्त की दास्तान है, ये भी हर वक्त की दास्तान है। बहुत 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 आज हमारे भाई राय खाजी और मोहम्मद दरवेश ने जो काम किया है और हमारे दादा शेख बुलंद का नाम भी वाकई में बुलंद किया है, हमारे राष्ट्र और बिरादरी को उन्होंने इतना अच्छा अंजाम दिया है कि एक गुरेज बिरादरी के लिए ये मिसाल कायम किया इन्होंने, इसीलिए मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ और सब भाइयों को बुलंदी अता फरमाए अल्लाह ताला और बहुत बहुत मददगार करने वाले ए भंडारी अंकल और बर्मेचा अंकल को मैं शुक्र तहे दिल से मुबारकबाद देती हूँ और तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ और हम सब बहन भाइयों और बहनों की भी बहुत बहुत मैं शुक्रगुजार हूँ और हमारे मामा की भी बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ और जो जो इस महफिल में शामिल हुए हैं उन सब के लिए मैं बहुत बहुत आभार करती हूँ और शुक्रिया। धन्यवाद।